ख्वातीन को खुश करना वो फन है जो हर मर्द के पास नहीं होता, और ये सबकी ख्वाहिश होती है कि किसी तरह उन्हें वो बातें मालूम हो जाएं जिन्हें सुनकर ख्वातीन का दिल बाग बाग हो जाए। बरतानवी माहरीन नफ्सियात ने एक जामिया तहकीक के बाद वो अहम तरीन बातें मालूम कर ली हैं कि जिन्हें सुनना ख्वातीन के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का बाइस बनता है। नंबर एक, आप मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली खातून हैं। अगरचे ये जुमला कहने वाले मर्द दर्जनों ख्वातीन के साथ इश्क लड़ा चुके हों, मगर ये कहना हमेशा उनकी महबूबा को मसरूर कर देता है। नंबर दो, मुझे कभी किसी की कुर्बत में ऐसा लुत्फ नहीं मिला। ये वो जुमला है जो तजुर्बाकार ख्वातीन को खसूसी तौर पर नहायत ही मुतासर करता है, और वो उसे अपनी जीत समझती हैं। नंबर तीन, तुम इस कदर शाइस्ता और तहजीब याफ्ता हो कि तुम दुनिया की बेहतरीन माँ साबित होगी। ये जुमला शरीफुन नफ्स ख्वातीन के लिए बहुत मौजू है, और वो उसे अपनी तारीफ समझती हैं। नंबर चार, प्लीज़ सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहना। ये जुमला ख्वातीन को एहसास तहफ़ दिलाता है, और उन्हें इस बात का ख़दशा नहीं रहता कि कल उस मर्द की नियत बदल सकती है। नंबर पाँच, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे तुम जैसी महबूबा मिली है। किसी खातून को अहमियत का एहसास दिलाने के लिए उससे अच्छा जुमला नहीं हो सकता, क्योंकि ये सुनकर खातून अपने आप को दूसरी ख्वातीन से अफजल समझती है। नंबर छः, आई लव यू, ये वो जुमला है जो हर रोज़ अरबों मर्द अरबों ख्वातीन को कहते हैं, मगर उसकी हिम्मत किसी सूरत कम होने में नहीं आ रही। और अगरचे सबको मालूम है कि ये अब एक रवायती जुमला बन चुका है, मगर किसी भी खातून को ये जुमला सुनने से जो खुशी महसूस होती है उसका कोई मुकाबला नहीं।